What's up guys, welcome back to the video. So, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे समर ऑफ सफरिंग का सेकेंड वाला बॉस जो कि एक्चुअली बहुत ही हार्ड है एंड तीनों के तीन ऑब्जेक्टिव्स मैं इसी बार कंप्लीट करूंगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा मैंने जल्दी कर लिया था बट एट द एंड वीडियो आप शायद लेट देख रहे होंगे तो ये आई गेस मैंने पिछले वीक के थर्सडे को या तो फिर वेनसडे को फिनिश ऑफ किया था बट मेरे को संडे टाइम मिल रहा है तो मैं उस टाइम पर अपलोड कर रहा हूँ एंड सो बेसिकली अगेन बॉस हार्ड है उसका मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है बट अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अनोइंग है। सबसे पहली बात कि स्किल चैम्पियन को आप डायरेक्टली किसी भी म्यूटन साइंस चैम्पियन से डिफीट नहीं कर सकते जो एक इसका एक ऑब्जेक्टिव है तो उसमें कैसा रहेगा। बेसिकली साइंस एंड आई गेस डैमेज ओवर टाइम या तो फिर ऐसा करके कुछ ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ से हमको स्पाइडर है में या तो फिर दो तीन ऑप्शंस लेके जाने हैं एंड देन फिर म्यूटेंट में एक और ऑप्शन है यहाँ पर आई गेस वो डिफेंसिव टैंक है या तो फिर डैमेज ओवर टाइम है ऐसा कुछ है एंड मिस्टिक में भी एक ऑप्शन है। अभी मिस्टिक में जो आई गेस मिस्टिक के अंदर डैमेज ओवर टाइम वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही बेसिकली अनोइंग है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं जो इसको अप्लाई कर सके डीबफ अप्लाई कर सके वगैरह। इस पूरे की पूरी फाइट में दिक्कत यही है कि आप ज़्यादा डैमेज कर नहीं सकते एंड ज़्यादा तरीके है भी नहीं डैमेज करने के लिए। सो बेसिकली मोलमैन के पास भाई ऐसा है कि जितने भी डिबफ्स आप अप्लाई करो पहले 20 डिबफ्स जो तो है वो श्रग ऑफ कर देगा बिना किसी दिक्कत के तो वो एटलीस्ट है एंड देन फिर यहाँ पर ट्रैंकुलाइज है तो जिसका मतलब कि एवरी 20 सेकेंड या तो फिर 30 सेकेंड्स में वो अपने ऊपर से बफ्स एंड डीबफ्स हटा देगा एंड देन फिर दोनों की पावर मीटर जो है ज़ीरो कर देगा मतलब आपकी और उसकी दोनों की तो वहाँ पर दिक्कत आती है। सेकेंड चीज़ कि आप इसके ब्लॉक पे हिट नहीं कर सकते नहीं तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा एंड अनस्टॉपेबल की वजह से वो आपको काउंटर अटैक कर सकता है। सो या वो हमको करना नहीं था एंड स्टन इम्यून ऑफकोर्स तो आप उसको पैरी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्लॉक डैमेज लेने का ट्राई करोगे बट अगेन बबल शील्ड है तो बबल शील्ड की वजह से आप ज़्यादा ब्लॉक डैमेज भी नहीं ले सकते 10 तक जो है ब्लॉक डैमेज ले सकते हो एंड देन फिर 11th वाला हिट जो है अनब्लॉकेबल हो जाएगा बट अगेन उसको पैरी करना पड़ेगा अगर राइट टाइम पे नहीं करते तो दो हिट में आराम से काम फिनिश हो जाएगा एंड बेसिकली या ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रही है तो बहुत ही स्लो फाइट है एंड डैमेज करने के लिए भी खास हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं एंड देन फिर व्हाट एल्स या सबसे इम्पोर्टेंट नोट ह्यूबरिस। सो बेसिकली इसको डैमेज ये तभी डैमेज देगा जब ये खुद अपना स्पेशल अटैक एक्टिवेट कर रहा है तब। अभी ऐसा तो कौन सा चीज़ है कि भाई खुद स्पेशल अटैक वो लॉन्च करे और हम लोग उसको डैमेज करें क्योंकि जब उसका स्पेशल अटैक का एनिमेशन चल रहा है तब आप जाके उसको हिट नहीं करने वाले वगैरह ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है तो इसके दो ऑप्शंस है करने के। फर्स्ट की पावर स्टिंग है कि जब कभी भी स्पेशल अटैक लॉन्च करे ऑन द स्पॉट उसको डैमेज पड़े तो वो एक चीज़ है। सेकंड फिर डैमेज ओवर टाइम वाले डीबफ्स और सबसे इम्पोर्टेंट पैसिव्स। अगर पैसिव्स हैं तो और भी अच्छा है क्योंकि पैसिव्स फिर जो है वो ट्रैंकलाइज टाइमर जो है उसको रिमूव नहीं कर पाता तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टोड के साथ जा रहे हैं क्योंकि टोड के केस में बेसिकली क्या है कि जब कभी भी वो मीडियम अटैक्स के थ्रू वो पॉइजन डीबफ अपने अप्लाई करता है तो उसके पास चांस है कि वो पैसिव में कन्वर्ट कर दे जब कभी भी मोल मैन डैश बैक करेगा या तो फिर वो श्रग ऑफ कर देगा या तो फिर ऐसे कुछ करेगा तो वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन साथ ही साथ टोड को भी फ्यूरी मिलती है तो अच्छी खासी देख सकते हो यहाँ पर 15-20 फ्यूरी है एंड ये भाई ऑलमोस्ट ना मैं तो अपनी तरफ से सोलो ही कंसिडर करूँगा अनफॉर्चुनेटली जो कि मैं कर नहीं पाता जस्ट एक छोटी सी कहीं पर गलती हो जाती है एंड या जस्ट उसी की वजह से ये सोलो नहीं हो पाए क्योंकि लास्ट की साइड शायद 36,000 जितनी हेल्थ बची थी और मैं डेफिनेटली फिनिश ऑफ कर सकता था। मेरे पास अभी भी बबल शील्ड के एक और ब्लॉक डैमेज बचा है तो अगर मेरे पास ब्लॉक डैमेज है तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा एंड या वन मोर नोट मैं भूल गया था जो कि स्पाइट। तो बेसिकली जब कभी भी आपके ऊपर बफ होगा तो मोल मैन को यहाँ पर पावर गेन पैसिव मिलेगा जिसकी वजह से उसकी पावर मीटर मिलेगी एंड भाई स्टार्टिंग में मैंने इतने बार रीट्राई किया है क्योंकि मैं उसको SP2 के लिए पुश कर रहा हूँ कि SP2 भाई अच्छी तरीके से इवेट हो जाए डिस्टेंस बना के चलूँ भाई SP2 पे वो लॉन्च ही नहीं कर रहा है स्पेशल अटैक और ऑब्वियस ही बात है अगर मैं बेट कर रहा हूँ तो मेरे को डेक्सटरिटी बफ मिलेगा एंड अगेन ये एक्चुअली बफ है तो वो उसको स्पाइट एक्टिवेट करवाएगा एंड स्पाइट एक्टिवेट करवाने की वजह से फिर ऑफकोर्स वो SP3 पे चला जाएगा एंड वहाँ पर भाई सिर्फ
3% हेल्थ बची है, 34,000, नॉट इवन 36,000। तो मैं तो भाई अपनी तरफ से इसको सोलो कंसिडर करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। तो इसका बदला हम लोग नेक्स्ट वाली फाइट में लेंगे, चिंता मत करना। एटलीस्ट एक सोलो तो परफॉर्म कर ही देता हूँ मैं, कोई भी बॉस हो ऑलमोस्ट। तो या ये बेसिकली ऑलमोस्ट ये फाइट फिनिश ऑफ हो चुकी है। आई गेस टोड के केस में, आई मीन न्यूटन के केस में डिफेंसिव टैंक या तो फिर ऐसा कुछ टैग था, मेरे को याद नहीं है, बट या तो या बेसिकली ये पूरी की पूरी फाइट थी टोड के साथ। एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस थे कि भाई आप डीबफ सप्लाई करो एंड देन फिर आप सर्वाइव कर सको एंड वगैरह वगैरह, क्योंकि टोड अगेन म्यूटेंट चैंपियन है तो आपके पास रीजनरेशन बफ है, तो थोड़ा बहुत ब्लॉक डैमेज भी सर्वाइव कर सकते हो, बाकी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें। तो बेसिकली फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए, जो कि होगा यहाँ पर हमारे पास। ओके मैं यहाँ पर जस्ट ऑब्जेक्टिव फिनिश ऑफ कर रहा था एंड या नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास साइंस क्लास का चैंपियन। एंड साइंस क्लास के चैंपियन में स्पाइडहैम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था, एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे पास 7 स्टार में स्पाइडहैम है, क्योंकि अगर नहीं होता तो लिटरली मेरे को दूसरा कोई ऑप्शन चूज़ करना पड़ता, जो कि अच्छा खासा मेरे पास खास है नहीं, शायद जो फिक्सिट के साथ जाना पड़ता, और या तो फिर मेरे को 6 स्टार स्पाइडरहैम को रैंक अप करना पड़ता एंड जो कि मेरे को नहीं करना था। सो लकीली मेरे को मिल चुका है एंड मैंने इसको आई गेस पिछले वाले बॉस या किसी चीज़ के लिए, आई मीन मैंने क्रूसिबल के लिए मैंने इसको रैंक 2 पे लेके गया था, एंड अगेन रैंक 2 पे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, शायद मैं इसको रैंक 3 पर भी लेके जाऊँ, बट अगेन साइंस क्लास में इतने सारे अच्छे खासे कंटेंडर है जो रैंक 3 के लिए जा सकते हैं, तो मेरे पास कैटलिस्ट बहुत ही कम है, तो इसी की वजह से अभी के लिए तो ये रैंक 2 पर ही है। सो अगेन स्पाइडरहैम के साथ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्पाइडरहैम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है बेट करना है, उसको SP1 बेट करवाना है, SP2 बेट करवाना है, एंड बेसिकली आपके जब कभी आप हिट करते हो तो आपके फर्स्ट मीडियम अटैक या तो फिर सेकेंड मीडियम अटैक पे चांस है कि आप उसको पावर स्टिंग डीबफ अप्लाई करो, एंड एज एट दिस पॉइंट पे जहाँ पर आप पैरी भी नहीं कर सकते, आप उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में इवन पहली वाली 2-3 फाइट्स में भी मैंने बहुत सारा देखा है कि आप उसको इंटरसेप्ट करने जाओ, बट वो क्या करता है कि वही वहीं पर खड़ा रहता है एंड आपको इंटरसेप्ट करेगा, जो कि ये बहुत ही आई मीन काफ़ी कम टाइम में पॉसिबल है, एंड ये शायद रॉन्ग वाला ट्राई है, ये एक्चुअली फेल्ड वाला वर्जन है। लेट्स मूव ऑन टू दी यहाँ से। ओके सो ये वाला एक्चुअल फाइट जो है काउंट होती है, फर्स्ट वाली आई गेस रीट्राई वाली थी तो मैं उसको डिलीट करना भूल गया। एनीवेज तो या बेसिकली वो 2-3 चीज़ें हर बार होती है, क्योंकि अगेन मोल मैन है, उसके पास जैसे वो फ्रेंजी में जाता है तो उसके पास गारंटेड क्रिटिकल हिट्स है, तो एंड अगेन 7 स्टार है, काफ़ी अच्छा खासा हैवी बूस्टेड है, आई मीन अपोनेंट जो है, तो काफ़ी जल्दी से आपको वो फिनिश ऑफ कर देता है, इवन लाइक 1 कॉम्बो उसके लिए बहुत ही इनफ है उसको फिनिश ऑफ करने के लिए। एंड यहाँ पर आप इवन स्पाइडरहैम के साथ ना उसका SP3 भी सर्वाइव कर सकते हो, बट अगेन वो बहुत ही लकी होना चाहिए कि आपके पास 10 पोको पॉपर्स हो, तो फिर आप बहुत सारा डैमेज जो है रिड्यूस कर सकते हो एंड वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ है। तो स्टार्टिंग में तो जैसे ही अभी जो ग्रीन फेज चल रहा है रेगुलर वाला, तो उस टाइम तक तो जो है आपको जस्ट यही मेंटेन करना है कि जल्दी से जल्दी उसको फ्रेंजी में कन्वर्ट करें, क्योंकि जैसे ही वो फ्रेंजी में जाएगा तो वो डीबफ स्ट्रग ऑफ करना बंद कर देगा, जैसे ही वो डीबफ स्ट्रग ऑफ करना बंद कर देगा देन आप अपना एक्चुअल डैमेज करना स्टार्ट करोगे। तो स्टार्टिंग का जो रैंप अप है, अगर वो ही आपका चैंपियन या तो फिर आपका कोई भी सिलेक्टेड चैंपियन वो कर नहीं पाता, तो भाई ये वाली फाइट बहुत ही तगड़ी पड़ेगी, हार्ड पड़ेगी, आप कितने भी रिवाइव्स डालो आप कोई भी डैमेज ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे। एंड जस्ट यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं, क्योंकि ना मैं उसके ब्लॉक पे हिट कर सकता हूँ ना मैं ज़्यादा ब्लॉक हिट ले सकता हूँ, क्योंकि फिर स्पाइडरहैम के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो अनब्लॉकेबल चीज़ों को ब्लॉक नहीं कर सकता, एंड देन फिर उसकी ब्लॉक प्रोफिशिएंसी भी यहाँ पर कम हो रही है बबल शील्ड नोड की वजह से। सो या पूरे के पूरे फाइट में मैंने एक तो चीज़ देखी कि आपको जितना हो सके SP2 पे उसको पुश करना ही मत, जाने ही मत दो उसको, SP1 है सीधा स्टार्ट बेट करो स्टार्ट करने का, तो जिसकी वजह से एटलीस्ट अगर वो बेट ना भी करे एंड लकीली अगर वो 1 बार ऑफ पावर गेन भी करता है तो मैक्सिमम वो सिर्फ और सिर्फ जो है 2 बार्स ऑफ पावर तक जाएगा, जिसकी वजह से एटलीस्ट आपके पास चांस है कि आप उसको बेट करो जब तक कि वो SP3 तक पहुँचे, एंड देन फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्लस यहाँ पर स्पाइडरहैम के पास टॉन्ट वाला डीबफ भी है, तो एटलीस्ट वो टॉन्ट रहेगा तो जिसकी वजह से क्या रहेगा कि वो जल्दी से अपना स्पेशल अटैक लॉन्च कर देगा,
बट अगेन इस पूरे के पूरे फाइट में अगर एक नोड हटा देना तो ये बॉस फाइट मेरे को लगता है कि बहुत ही एक बैलेंस्ड बॉस फाइट रही थी, जो कि है ट्वेंकलाइज। क्योंकि ट्वेंकलाइज क्या करता है कि एवरी 25 सेकंड्स के अंदर आपके डिबफ्स हटा देता है, आपकी पावर मीटर जीरो कर देता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हाथ से जाती है। क्योंकि उसकी वजह से फिर क्या है कि आपकी सारे के सारे डिबस जो है, अगर सपोज मैंने मान लो पूरे के पूरे मैच में मैंने 7 या 8 पोर्कर पॉपर्स, जैसे कि अभी 5 है, तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे। जैसे कि उसमें लॉन्च कर दिया, अगेन वो तो आरएनजी पे डिपेंड करता है कि रीटिकर कितने होते हैं, बट या क्योंकि एक पॉइंट पे आके मैं सारे के सारे लूज़ तो करने ही वाला हूँ, वो गारंटीड है। क्योंकि एक जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा तब तक ये फिनिश होने ही वाला है। एंड ये बहुत सारे ट्राई करने के बाद मैं इस वाले इस पर पहुँचा था कि भाई इतने क्लोज पहुँचा था 2% हेल्थ के लिए। क्योंकि जिस टाइम पे सबसे पहला वाले निकला था तो मैंने टोड को ट्राई किया था, तो वो आराम से काफ़ी अच्छा खासा 50% हेल्थ तक लेके गया था। मैं सोचा चलेगा, आई मीन नेक्स्ट टाइम कभी भी कर लेंगे, तो या बट अगेन काफ़ी टाइम के बाद शायद मैं खेल रहा हूँ इसलिए मेरे को बहुत ही हार्ड लग रहा है। एंड या क्रूसिबल का सेकेंड वाला पार्ट भी रिलीज़ हो चुका है, तो अगर आपको जाके देखना हो तो जाके देख सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग मैचअप, सो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे के पूरे फाइट में या तो फिर पूरे के पूरे क्या कहते हैं टैग सिलेक्शन में, इवन नॉट इवन टैग सिलेक्शन, इसका जो ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ही अनोइंग है। सबसे पहली बात कि मेरे पास ज़्यादा चैंपियंस है नहीं, एंड खुशाला लकीली मेरे पास 6-star में अवेलेबल थी, तो मैं उसको ऑन द स्पॉट सबसे पहले तो उसको 6-star रैंक 4 पे लेके गया। अभी भी स्टिल वो रैंक 4 पर ही है, मैंने उसको असेंडेड नहीं करवाया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो इतनी खास अच्छी खास होगी कि नहीं होगी, बट देखने से पता चला है कि वो काफ़ी अच्छी खासी है। एंड देन फिर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा कि खुशाला को कैसे खेलना है, कि उसको एक्चुअली में कैसे यूज़ करना है, तो वो सारा मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। तो वो सारी चीज़ें हुई, एंड देन फिर बेसिकली इस पूरे के पूरे मिस्टिक क्लास के ऑब्जेक्टिव में जो डैमेज ओवर टाइम वाले डिबस का ऑब्जेक्टिव है, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस है ही नहीं। मेरे पास ऑलरेडी एक 6-star रैंक 4 एग्जिस असेंडेड है मेरा वीकेंड, बट वो यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि उसका जो पैसिव वो डीबफ अप्लाई करता है इंसिडेंट डीबफ, तो वो बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड जल्दी से करता नहीं है, या तो फिर उतना फ्रीक्वेंट नहीं है बेसिकली। एंड देन अगेन वो 6-star रैंक 4 है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वीकेंड जो है वो उसके पास वो ना ग्लास कैनन वाला कैरेक्टर है, जिसका मतलब कि वो डैमेज ज़्यादा करता है, बट साथ ही साथ वो उसकी कम हेल्थ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी उसकी है नहीं, तो बहुत ही अनोइंग रहता है कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में। एंड इस ऐसे वाले बॉस फाइट्स के अंदर जहाँ पर बॉस की हेल्थ इतनी सादी है, एंड आप ज़्यादा एक ब्लॉक हिट के अंदर आप सपोज 10,000 समथिंग जो है डैमेज ले रहे हो ब्लॉक हिट के थ्रू, तो वो काफ़ी अनोइंग रहता है। सो या तो फिर मैंने चूज़ किया कि घुशाला के साथ जाएंगे, एंड देन फिर 6-star रैंक 4 पे लेके गया, देख सकते हो 9,000 तक का जो है मैंने ब्लॉक डैमेज लिया है, जस्ट ब्लॉक डैमेज। सो बेसिकली खुशाला के साथ खेलना क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसकी एबिलिटीज़ कैसे काम करती है, वैसे वैसे बेसिकली उसके पास भी अगेन ये मिस्टिक चैम्पियन है, तो उसके पास 3 अलग टाइप की ब्लेसिंग्स है। फर्स्ट वाली ब्लॉक वाली ब्लेसिंग है, सेकेंड वाली जो येलो है वो हैवी अटैक वाली ब्लेसिंग है, एंड थर्ड वाली जो है वो इंटरसेप्ट वाली ब्लेसिंग है। तो ये बेसिकली ऐसा है कि ये कब एक्टिवेट होगी, भले ही अपोनेंट उसको परफॉर्म करे या आप परफॉर्म करो, आपका चैंपियन परफॉर्म करे, मतलब कि खुशाला परफॉर्म करे, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो सपोज अगर खुशाला ब्लॉक करती है तो उसके ब्लू वाली ब्लेसिंग भी एक्टिवेट हो जाएगी, या तो फिर आप उसके ब्लॉक पे हिट करते हो तो भी वो ब्लू वाली ब्लेसिंग जो है एक्टिवेट हो जाएगी, है ना, ऐसा करके सारी की सारी ब्लेसिंग एक्टिवेट करनी है। अगेन रेगुलर ब्लेसिंग जो है अगर आप एक्टिवेट करते हो तो उसको ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं मिलता, मतलब कि सिर्फ 12 या 15 सेकंड का ही ड्यूरेशन मिलता है, बट हमारे पास ऑप्शन है कि उसका ये जो ब्लेसिंग का ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे। एंड उसका एक ही ऑप्शन है कि जब कभी भी सामने वाला अपोनेंट अपने स्पेशल अटैक लॉन्च करे उस टाइम पे ये तीनों की तीन ब्लेसिंग्स को जो है एक्टिवेट करने की ट्राई करनी है, सारे के सारे एक साथ नहीं होगी, एक एक करके ट्राई करनी है। तो सपोज जिस टाइम पर भी मोलमैन अपना स्पेशल अटैक लॉन्च कर रहा है तो उस टाइम पे मैं उसके स्पेशल अटैक को पैरी करूँगा या तो फिर ब्लॉक करूँगा, तो मेरे ऊपर जब कभी भी मैं ब्लॉक करूँगा या तो फिर पैरी करूँगा तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि भाई स्पेशल बोनस, जिसकी वजह से वो ब्लू वाला ब्लेसिंग जो है बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीज़ जो येलो वाली केस है, यहाँ पर जस्ट मैं अपने चैंपियन को रिवाइव कर लूँ, एंड अगेन इस वाली फाइट में बेसिकली ये है कि सिर्फ रिवाइव से काम नहीं चलता, आपको हेल्थ पोशंस तो चाहिए ही रहेंगे।
सो अगेन हमारे लिए डाउन साइड है, तो इसका हेल्थ में लगा लेता हूँ एंड देन फिर अगेन फाइट में हम लोग एंटर करेंगे। सो मैं कहा था या ओके, सो ब्लेसिंग्स के अंदर जब कभी भी वो स्पेशल अटैक लॉन्च करता है एंड देन फिर क्या कहते हैं कि भाई सपोज स्पेशल अटैक को काउंटर अटैक करते हो, जब तक कि वो रिकवर कर रहा है अपने स्पेशल अटैक से, अगर तब उस टाइम पे आप उसके हैवी काउंटर करते हो या तो फिर उसको हैवी अटैक से नॉकडाउन करते हो, तो आपको येलो वाला पैसिव मिलता है जो कि सेकंड नंबर वाला है एंड बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक के लिए मिलता है। एंड बेसिकली जितने ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो उतनी ज़्यादा आपकी एबिलिटीज़ काम करेगी एंड वगैरह वगैरह। एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि खुशाला का जो ब्लू वाला ब्लेसिंग है वो आपको अलाउ करता है अनब्लॉकेबल हिट्स को ब्लॉक करने में। तो जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट पे जाके मोल मैन जो है अनब्लॉकेबल हो जाएगा, जब जैसे कि अभी 18 मेरे पास बबल शील्ड के चार्जेस है तो 19 एंड देन फिर 20 वाला जो होगा, तो 20 के बाद वाला जो भी हिट रहेगा वो अनब्लॉकेबल रहेगा। बट जैसे कि खुशाला के पास वो जो पैसिव बफ है या तो फिर पैसिव जो भी उसके पास है उसकी वजह से वो रेगुलर हिट्स को भी ब्लॉक कर पाएगी, तो वो एक है। तो या जैसे बेसिकली आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड मेरे को पहले ऐसा लगा कि आई मीन फर्स्ट वाली पोर्शन 50% हेल्थ तक तो लेके आया था, दो रिवाइज में मैक्सिमम फिनिश ऑफ हो जाएगा। हाँ, लिटिल डिड आई नो ऐसा डेफिनेटली होने नहीं वाला है। सो आरएनजी एंड वो सारी चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आती इस गेम के अंदर, जो कि यूजुअली बॉस के केस में काम आता है, क्योंकि या एंड देन फिर एक और चीज़ यहाँ पर उसकी खुशाला की एबिलिटीज़ में ऐसा है कि भाई जब कभी भी उसका हैवी अटैक वाले जो येलो वाला पैसिव है वो एक्टिवेट रहता है तो अपोनेंट जो है और भी एग्रेसिव हो जाता है। मतलब कि जब कभी भी जैसे कि यहाँ पर मैंने उसका हैवी अटैक काउंटर किया, स्पेशल बोनस आया मेरे को एंड देख सकते हो येलो वाला काउंटर बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक के लिए, तो वो जो है अग्रेसिव हो जाता है एंड वो बेसिकली हमको इजी बना देता है कि आप उसको इंटरसेप्ट करो एंड वगैरह वगैरह। तो वो बेसिकली एक्चुअली इजी हो जाना चाहिए, बट कभी कभी क्या है मोलमैन बीच में खड़ा हो जाएगा, वो अपनी चीज़ें करेगा नहीं, लॉन्च नहीं करेगा एंड वो सारी चीज़ें। देन फिर खुशाला का एक्चुअली डैमेज आता कहाँ से, तो उसके पास दो ऑप्शंस है, SP1 के थ्रू एंड SP2 के थ्रू भी आता है। अगर रेगुलर कोई बॉस फाइट होती बिना किसी नोड्स के तो आप डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करता कि SP2 के लिए जाओ, बट अगेन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा पावर मीटर हमको मिलती है नहीं, थोड़े टाइम के लिए ही मिलती है, तो उसी के टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमको फिनिश ऑफ करना है एंड या तो फिर आपके स्पेशल अटैक का पावर मीटर भी चला जाएगा तो आप एग्जैक्टली कोई भी स्पेशल अटैक जो है लॉन्च नहीं कर सकते। एंड ये वाली गलती एग्जैक्टली मेरी थी जस्ट में, क्योंकि मैंने उसके ब्लॉक पे हिट किया था। तो या एंड देन फिर उसका या SP1 में बेसिकली क्या है कि वो बफ्स अप्लाई करती है, अगर अपोनेंट के पास बफ्स ना हो तो वो खुद अपनी तरफ से बफ्स अप्लाई करती है खुशाला एंड देन फिर उनको नलीफाई करती है एंड नलीफाई करके उनको कन्वर्ट करती है इंसिनरेट डीबफ्स के अंदर। अभी अगर आपकी खुशाला अवेकेंड है एंड जितने ज़्यादा हाई सिग्नेचर लेवल होंगे उतना ही उसके पास चांस रहेगा कि वो उसको कन्वर्ट कर दे पैसिव्स के अंदर। एंड देखते ही देखते ऑलमोस्ट मेरी काफ़ी सारी हेल्थ जो चली गई है, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ रिवाइव करके एंटर करता तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत वेस्टेज होता है। मतलब रिवाइव तो वेस्ट होता ही होता है बट साथ ही साथ मैं ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाता, जितना मैंने डैमेज किया उतना भी मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस पूरी की पूरी फाइट में बेसिकली आपको करना है ऐसा है कि भाई आपको जितना हो सके पहले मीडियम एंड फिर लाइट अटैक्स यूज़ करना है एंड लाइट अटैक्स की वजह से वो बफ्स मिलते हैं जो आप अप्लाई करोगे मोल मैन के ऊपर एंड देन फिर जैसे आप अपना SP1 लॉन्च करोगे तो वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे डीबफ्स के अंदर एंड देन फिर जितने ज़्यादा डीबफ्स के अंदर कन्वर्ट होंगे उतना ही ज़्यादा जो है जल्दी से वो अपने ग्रीन वाले फेज से निकल के फ्रेंजी वाले फेज में चला जाएगा। ऑलराइट, तो वो करना है एंड देन फिर उसके बाद जस्ट आपको SP1 स्पैम करना है जैसे ही वो अपने फ्रेंजी वाले फेज में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर तो वो बफ्स नलीफाई नहीं कर सकता। बट अगेन आपके सब पास सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड्स का विंडो टाइम ही है, तो 25 सेकंड्स के अंदर ही आपको डैमेज करना है, नहीं तो फिर वापस आपको सारे के सारे बफ्स अप्लाई करने पड़ेंगे, वापस आपको जो है SP1 यूज़ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। एंड हैवी अटैक के थ्रू भी आप काफ़ी सारा नलीफाई करते हो या तो फिर ऐसा कुछ है, बट या एंड देन फिर काफ़ी इजीली हम लोग पहुँच जाने वाले 9% हेल्थ है। पहले मेरे को ऐसा लगा था शायद फिनिश ऑफ हो जाएगा एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं फिनिश करता हूँ कि नहीं,
बट या काफ़ी क्लोज है, अगर नहीं तो जो है हम लोग यहाँ पर एक और रिवाइव यूज़ कर लेंगे एंड या आई गेस हम लोग उसको फिनिश ऑफ कर देते हैं यहाँ पर जैसे कि वो हो गया। एंड या आई गेस इतना सा था वीडियो एंड ऐसे करके हम लोगों ने वीक टू फिनिश ऑफ किया है समर ऑफ सफरिंग का। अब बॉस नंबर टू देखते हैं, बॉस नंबर थ्री आई गेस बॉस नंबर थ्री एंड फोर हमको लीक हो चुके थे। आई गेस बॉस नंबर थ्री एक फोटोन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड एक शायद स्पाइडरमैन 2099 या तो फिर ऐसा ही कुछ है, कोई एक स्पाइडरमैन कैरेक्टर है। ऐसा करके हमारे पास नेक्स्ट वाले दो बॉसेस रहेंगे। तो या इतना साथ आया वीडियो एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।